मधुमक्खी के लाइफ सर्कल के बारे में बताया जाता है, मधुमक्खी अपना पूरा लाइफ कैसे डिपेंड करती है। कहीं अगर हम लोग कॉम्ब देखते हैं ना, छत्ता जो कॉम्ब होता है, एक कॉम्ब के अंदर तीन प्रकार की मधुमक्खी होती है, क्वीन, वर्कर एंड मेल। ये जो क्वीन होती है साइज में सबसे बड़ी, अगर कॉम्ब में अगर सबसे बड़ी है तो क्वीन होती है, साइज में सबसे बड़ी क्वीन होती है। दूसरी वर्कर हो जाती है, और सबसे छोटा जो होता है मेल की हाइट होती है, मेल साइज में सबसे छोटा होता है। ये जो क्वीन होती है, क्वीन का लाइफ जो होता है 3 इयर्स का होता है, 3 साल इसका लाइफ होता है, 3 साल जिंदा रहती है और 3 साल बिना रुके हुए ये अंडा देती है, दूसरा वर्किंग नहीं करती है। इसका जो अंडा देने का जो रेशियो होता है ना, 1 दिन 24 आवर के अंदर ये 1000 से 2000 के बीच में ये एवरी डे अंडा देती है, और कंटिन्यू इसका लाइफ 3 इयर्स 4 इयर्स है, 3 इयर्स 4 इयर्स ये कंटिन्यू अंडा ही देती है, दूसरा वर्किंग नहीं करती है। दूसरी ये वर्कर भी हैवी वर्कर होती है, आउटसाइड इनसाइड A to Z वर्किंग इसी का होता है, जो होता है ना कि शुरू से लास्ट तक इसी यही करती है। हानी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इसी का कंज्यूम करते हैं, हानि का वर्क ना ही तो क्वीन करती है और ना ही मेल करता है। कॉम्ब रेडी करना, नेक्टर कलेक्ट करना, नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करना, हनी में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो अंडा दी हुई है अंडा में खाना प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करने के बाद में उसको भैक्स से कवर करना, A to Z वर्किंग इसी का होता है। लेकिन इसका जो लाइफ होता है ओनली 3 मंथ के लिए होता है, 3 महीना में ये डेथ हो जाती है। ये जो मेल होता है 1% की जनसंख्या में होता है, ओनली एक कॉम्ब के अंदर 1% की जनसंख्या में फ्री ऑफ माइंड होता है, माइंड में कोई टेंशन नहीं होता, खाएगा घूमेगा मौज मस्ती करेगा, इसका वर्क यही होता है, दूसरा वर्किंग नहीं करता है। इसका जो वर्क होता है दूसरा होता है, जैसे ये 2 महीना खाएगा घूमेगा मौज मस्ती करेगा, लेकिन 2 महीना जैसे ये क्रॉस करता है ना, ये मेट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ये मेट के लिए जब तक रेडी नहीं है फ्री ऑफ माइंड है, खाया घूमा मौज किया है, लेकिन जैसे ये मेट के लिए रेडी हो जाता है, क्वीन के टच में रहने के कारण क्वीन को पता होता है कौन सा मेल कितने टाइम में हमारा मेट के लिए रेडी हो रहा है। कॉम्ब से बाहर निकलती है, मेल को इनवाइट करती है, जैसे मेल मेट अटैच करता है इमीडिएटली डेथ हो जाता है। इसका जो लाइफ होता है ओनली 1 टाइम मेट के लिए होता है, जैसे स्टार्टिंग यहाँ जिंदा है लेकिन यहाँ पे ये फाइनली डेथ है, यहाँ से क्वीन दूसरे मेल के साथ चली जाएगी और ये ऑन द स्पॉट मरा हुआ आएगा। खाने की बात करें, ये नॉर्मली ये आउटसाइड का फूड कलेक्ट करता है, नेक्टर और पोलन यही इसका खाना हो जाता है, ये वर्कर का भी यही खाना होता है। लेकिन ये जो क्वीन होती है ये रॉयल हनी खाती है, रॉयल हनी जो होता है, रॉयल हनी जो जैसे ये अंडा दी है, अंडा से जैसे बच्चा बाहर आएगा, 20 डे में क्वीन का जन्म हो जाता है, 30 डे में बच्चा जन्म, नॉर्मली फीमेल और मेल जन्म लेता है। जैसे ये 30 डे में जैसे बाहर आता है, वहाँ बच्चा के शरीर से एक व्हाइट कलर का जेली निकलता है, रॉयल जेली ही खाती है, दूसरा कोई सा भी खाना नहीं खाती है। रॉयल जेली का जो MRP पर केजी 2 लाख रुपया पर केजी मिलता है, लेकिन एक आदमी 1 महीना में ओनली 20 ग्राम ही कंज्यूम करता है, 20 ग्राम कंज्यूम करेगा, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेगा, उसको हनी में ऐड करके कंज्यूम करेगा। इसका जो बेनिफिट होता है ना, इसका शुरू से लास्ट तक हेल्थ में हमारे बॉडी के इनसाइड जो भी कंप्लेंट है ना, उसको A to Z ये क्लीनिंग रेडी कर देता है, पूरा तरह से रेडी करता है। लेकिन जैसे होता है ना, जो होता है ना अस्थमा पेशेंट जो होता है ना, अस्थमा पेशेंट ये हनी कंज्यूम नहीं करेगा, बाकी कोई सा भी हनी आदमी कंज्यूम कर सकता है, ये ऑल इन में वर्किंग करता है। इसके इनसाइड विटामिन A, B, C, D, E ये 5 विटामिन होता है, उसी को कंज्यूम करने के कारण अंडा देने का कैपेसिटी और आयु सीमा इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये मधुमक्खी का हेड हो जाएगा। आमतौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली मधुमक्खी का हमको 2 आंख दिखाई देता है, जो कि ये 2 आंख हमको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली मधुमक्खी का 3 यहाँ पे आंख होता है, जो कि वहाँ ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, ये 3 आंख हो जाएगा टोटल, उसका टोटल 5 आंख हो जाएगा। और जो यहाँ से हम लोग बाल जो देखते हैं ना मधुमक्खी का, ये मधुमक्खी का सेंसर होता है, जो कि 1000 से ऊपर इसका सेंसर होता है।